वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको इंग्लिश का लेसन 4 रीड करवाया था, जो एक स्टोरी थी द टेम्पेस्ट, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। तो ये मैंने आपको स्टोरी लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से रीडिंग करा के समझा दिया था, और आज मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, आप इसे नोट कर लेना। द टेम्पेस्ट मतलब वर्ड मीनिंग, पहला वर्ड जो है टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट मीन्स होता है बच्चों तूफान। स्पिरिट्स, स्पिरिट्स मीन्स होता है आत्माएँ। एंट्रस्टेड, एंट्रस्टेड मतलब जिम्मेदारी सौंपना। ड्यूक, शासक। ड्यूक डॉम, राज्य। प्रोविजंस होता है खाना और कपड़े इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। और ग्रेव, गंभीर। स्पाय, जासूस। फिल्ड विथ रिमोर्स, पछतावा होना। रिपेंटमेंट मेन, पश्चाताप करने वाला व्यक्ति। डिस्ट्रेस, दुख। क्वाइंट, विचित्र। काउसलिप, छोटा। ठीक, तो ये आपकी 13 वर्ड मीनिंग हो गई हैं, इसे नोट कर लेना। आप क्वेश्चन आंसर देखिए बुक का, जो पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हु वॉज एरियल, हु वॉज हिज मास्टर। तो इसका आंसर देखिए, एरियल वॉज अ जेंटल स्पिरिट, हिज मास्टर वॉज प्रोस्पेरो। ठीक है, एरियल एक स्पिरिट है, आत्मा है, और उसका मास्टर जो है वो कौन है, प्रोस्पेरो। ठीक है, इस कहानी का मेन जो लीड है वो है प्रोस्पेरो। सेकेंड है हाउ डिज प्रोस्पेरो एंड मिरांडा कम टू द आइलैंड। इस आइलैंड पर प्रोस्पेरो और मिरांडा कैसे आए, प्रोस्पेरो तो वो है और मिरांडा उसकी डॉटर। तो प्रोस्पेरो एंड मिरांडा कम टू आइलैंड 12 years ago, वो यहाँ 12 साल पहले आए थे। कैसे, तो प्रोस्पेरो वॉज ड्यूक ऑफ मिलान, ये मिलान कंट्री का जो है ड्यूक था, राजा था। एंड मिरांडा वॉज हिज ओनली चाइल्ड, और मिरांडा इसके ओनली जो है बच्चा था। तो प्रोस्पेरो वॉज ग्रेट इंटरेस्ट इन स्टडी ऑफ मैजिक, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन हिज स्टडी, माई की जगह आप देखो इन हिज स्टडी विद हिज बुक। ठीक है, ही लेफ्ट मैनेजमेंट ऑफ हिज ड्यूक डोम और टू हिज यंगर ब्रदर एंटोनियो। ये मैंने आपको बता रखा था कि प्रोस्पेरो को ज़्यादा इंटरेस्ट किस में था, मैजिक को स्टडी करने में, तो उस समय भी था, और इसलिए उसने अपना सारा काम जो है अपने छोटे बेटे, ठीक है, छोटे भाई, यंगर ब्रदर एंटोनियो को सौंप दिया। बट ही ट्रस्टेड हिम बट ही टर्न आउट टू बी फॉल्स, पर वो बदल गया, फॉल्स गलत निकल गया, ट्रेचियस हो गया, छल करने लगा उससे। ही प्लॉटेड टू रॉब हिम, वह उसको अपने भाई को जो है रॉब में थे लूटना चाह। एंड ही वॉज एबल टू डू सो, वो ऐसा कर पाया विद द हेल्प ऑफ हिज एले द किंग ऑफ नेपल्स। वो उसके दुश्मनों के साथ मिल गया, किंग नेपल्स के राजा के साथ, और उसने अपने भाई को हटा दिया। एंड हिज ब्रदर लेफ्ट हिम टू डाई, और उसके अपने भाई को मरने के लिए उन्हें छोड़ दिया। बट ही वॉज सेव बाय अ काइंड मैन नेम गोंजेलो, पर वो एक आदमी ने उसको बचा लिया, गोंजेलो नाम का। ठीक है, एंड दे वर एबल टू रीच दिस आइलैंड, और वो इस तरह वो इस आइलैंड पर पहुंच गए। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड आंसर। थर्ड है आपका, व्हाट डिड एरियल टेल प्रोस्पेरो ब्रदर एंड किंग ऑफ नेपल्स। एरियल टोल्ड प्रोस्पेरो डैट दे वर हाल्फ डेड एंड विद हंगर एंड वेरीनेस, एंड रिमाइंडेड डैम ऑफ देयर इविल ट्रीटमेंट ऑफ यू, एंड टोल्ड डैम डैट दे वर बींग पनिश्ड फॉर इट, दे वर फिल्ड विद रिमोर्स एट देयर वीक डिड्स। ठीक है, एरियल ने क्या बताया प्रोस्पेरो को, उसके भाई और के बारे में, कि बताया कि वो भूख और चिंता से परेशान हो गए हैं, और एरियल ने उनको याद दिलाया कैसे आपने गलत काम किया मास्टर के साथ उसके, इसलिए वो तुम्हें पनिश कर रहे हैं, और वो उससे वो जो लोग हैं पछतावे से भर गए अपने विक डिड्स, यानी गलत काम जो किया उन्होंने। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिड अ मैन नॉट रिकोगनाइज प्रोस्पेरो एट फर्स्ट, पहले क्यों नहीं पहचान पाए इसको प्रोस्पेरो, जब प्रोस्पेरो के सामने आए तो पहचान क्यों नहीं पाए, बिकॉज वो एक मैजिशियन रोब में था, जादूगर कपड़े में था, और उसकी दाढ़ी जो है वाइट हो गई थी, 12 साल बाद देख रहे थे ना वो। बिकॉज प्रोस्पेरो इन हिज मैजिशियन रोब ROBE एंड लॉन्ग वाइट ब्रेड बियर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड प्रोस्पेरो शो द किंग ऑफ नेपल्स, व्हाट वाज द किंग रिएक्शन, प्रोस्पेरो ने राजा को क्या दिखाया और उसका क्या रिएक्शन रहा। तो प्रोस्पेरो शो द किंग ऑफ नेपल्स हिज सन फर्डिनेंड, उसने उसको बेटे को दिखाया, हु वाज प्लेइंग चेस विद मिरांडा, जो मिरांडा के साथ चेस खेला था। द किंग वॉज हैप्पी टू फाइंड हिज सन अलाइव एंड वेल, राजा बहुत खुश हुआ कि अपने बेटे को जिंदा और सही सलामत देख कर। सिक्स क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक प्रोस्पेरो वॉन्ट मिरांडा टू सी फर्डिनेंड, प्रोस्पेरो क्यों चाहता था कि वो मिरांडा को, कि वो फर्डिनेंड को देखे। प्रोस्पेरो वॉन्टेड हिज डॉटर
मिरांडा टू सी फर्डिनांड बिकॉज ही होप्स टू मेक दैम फॉल इन लव, ताकि वो चाहता था कि वो उनके एक दूसरे से प्यार करने लगे और एक दूसरे को समझने लगे. ठीक है. सिक्स्थ. सेवन. वाई डू यू थिंक प्रोस्पेरो पुट फर्डिनांड टू वर्क, प्रोस्पेरो ने क्यों फर्डिनांड के सामने काम दिया इतना काम करने के लिए, तो क्योंकि प्रोस्पेरो वॉन्टेड टू टेस्ट देयर लव बाय पुटिंग डिफ़िकल्टीज इन देयर वे. प्रोस्पेरो अपने जो उनके उनके प्यार की जो है टेस्ट लेना चाहता था, ताकि उनके उनके सामने डिफ़िकल्टीज रखकर ही फाउंड सम हार्ड टास्क, उन्होंने कुछ उसको ऐसा हार्ड टास्क दिया फॉर फर्डिनांड टू परफॉर्म. ठीक है, जिससे कि फर्डिनांड को करने कर जो कर सके, तो वो उसके टेस्ट लेना चाहता था उनका. ठीक है, तो ये आपके वर्ड मीनिंग और ये सेवन क्वेश्चन मैंने आपको बुक के करवा दिए हैं. आप इसे अपनी कॉपी में स्टूडेंट्स नोट कर लेना. ठीक है.